पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास दो बैटरीज है इस तरीके की, इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। मुझे इन दोनों के इक्वलेंट बैटरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके का दिया हुआ है कि इसमें एक्सटर्नली R रेजिस्टेंस है, ठीक है जो, और यहां पे एक स्विच है। तो जैसे हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तो इस सर्किट में करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। तो यहां से पॉइंट ए और ये जो पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में ये जो ग्रुप ऑफ बैटरी है, इसको मुझे एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करना है। ठीक, तो मान लीजिए देखिए पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है, तो मान लीजिए करंट इस तरफ आई, ऐसे गई, यूं गई, आई करंट चल रही है इस वक्त। अभी आई करंट यहां के डिवाइड हो जाएगी, मान लो आई वन तो इधर चली गई और आई टू इधर चली गई, तो इसमें कितनी करंट है, इसमें आई टू करंट है, और इसमें कितनी करंट है, इसमें आई वन करंट है, और यहां जाके वापस ये करंट आई बन गई और इस तरीके से इसमें फ्लो होके वापस आ गई। इस तरीके से करंट इसमें फ्लो हो रही है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक, अब मुझे ये जो इतना सेक्शन है इसको एक सिंगल बैटरी में कन्वर्ट करना है। ठीक, मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूं ए से लेके यहां से लेके यूं घूम के आके यहां तक, फिर एक दूसरी इक्वेशन लिखता हूं नीचे से आके और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहां से किया ऐसे, तो मेरे पास पोटेंशियल है ए, वी ए माइनस आई आर, ऐसे गए, फिर यहां गए ऊपर वाली लाइन में एंटर कर गए, माइनस आई वन आर वन। ठीक है, अब इसके बाद बैटरी आई प्लस का ई वन और उसके बाद वापस आ गया ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, अब यहीं से दोबारा से स्टार्ट करते हैं, वी ए माइनस आई आर माइनस, अब यहां पहुंच के नीचे वाली साइड आ गए, माइनस का आई टू आर टू, ठीक है ना, और प्लस का ई टू इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए, ये आ गया। ठीक है ना, अब इनको आप अच्छे से नोट करिए। ठीक है, ओके देखिए, तो ये जो पहली इक्वेशन है इसमें से इस वाले वी ए से ये वाला वी ए कैंसिल कर दो, सेकंड में से भी इससे ये कैंसिल कर दो, तो पहली इक्वेशन क्या बनी, पहली इक्वेशन बनी माइनस का आई आर माइनस का आई वन आर वन और प्लस का ई वन इज इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, माइनस का आई आर माइनस का आई टू आर टू और प्लस का ई टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करके कुछ ऐसा रिजल्ट लाना है जो एक सिंगल लाइन में आ जाए। मान लीजिए मैं इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं आर टू की और इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं आर वन की, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस आई आर आर टू माइनस आई वन आर वन आर टू प्लस का ई वन आर टू इज इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस आई आर आर वन माइनस आई टू आर वन आर टू प्लस ई टू आर वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हम। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों को आप ऐड करिए तो यहां पे ये वाली टर्म आ जाएगी ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन, ये आ गई, प्लस ये वाली टर्म में से आर वन आर टू अगर आप कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर वन आर टू विद माइनस साइन, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का आई आर लेके आर वन प्लस आर टू, माइनस का आई आर अगर कॉमन ले लें हम तो ये आ जाएगा आर वन प्लस आर टू। अब पूरी इक्वेशन को आप आर वन प्लस आर टू से डिवाइड करिए, ये चीज क्या है, ये चीज भी तो आई है,
इसमें से अगर आई कॉमन ले लोगे आप, इसमें से अगर आई कॉमन ले लोगे आर वन प्लस आर टू से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको भी आर वन प्लस आर टू से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, इसको भी आर वन प्लस आर टू से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी आर वन प्लस आर टू से डिवाइड कर दीजिए और ये पूरी चीज इक्वल टू जीरो। अब आप देखो ये भी आई है और ये भी आई है, इस आर वन प्लस आर टू से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पे अगर मैं माइनस आई कॉमन ले लूंगा, ठीक है, माइनस आई अगर कॉमन ले लूंगा तो यहां पे बचेगा आर प्लस आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू प्लस ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बाई आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू जीरो। यहां से देखिए अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, इस वाली टर्म को इधर ले जाओ तो i की वैल्यू आपके पास आ गई e1 r2 प्लस e2 r1 डिवाइडेड बाय r प्लस r1 r2 बाय r1 प्लस r2, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को देख के अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मुझे कैसा डायग्राम मिलेगा, मुझे एक ऐसा डायग्राम मिलेगा जिसमें ये तो बैटरी होगी, उसके साथ ये रेजिस्टेंस होगा और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, ठीक। इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, ठीक है ना, इसके नीचे भी आर वन प्लस आर टू आएगा, इस वाली टर्म में इसके नीचे आएगा आर वन प्लस आर टू, तो ये ईएमएफ ई नोट होगा, ये रेजिस्टेंस आर नोट होगा और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर होगा। यहां पर इस ई नोट की वैल्यू निकल के आएगी ये वाली जो ऊपर लिखी हुई है, कितना, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, ठीक है ना। और आर नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली चीज समझ लीजिए, आर नॉट है तो ये आएगी आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, ये आर नॉट की वैल्यू आई। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सर्किट है वो पूरा का पूरा इस एक सिंगल इक्वलेंट सर्किट के बराबर है, ठीक है ना। यानी कि अगर दो बैटरी पैरेलल में होती हैं, ठीक है ना, तो उनको रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल बैटरी। ये देखो ये वाला पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट बी हो गया। इस आई में जो ऊपर वाली टर्म है वो तो इक्वलेंट बैटरी है और जो नीचे वाली टर्म है वो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है। एक्चुअल में ये वाली जो फॉर्म है, दिस इज ई नॉट बाई आर प्लस आर नॉट, ये वाली फॉर्म है। यानी कि किसी एक बैटरी का ईएमएफ अगर ई नॉट है तो ई नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी और रेजिस्टेंस तो एक्सटर्नल ये हो गया और आर नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी। ये मिली एम्पियर है एंड ये इतना वोल्ट है कि वोल्टेज इसके अकॉर्डिंग चल रही है, करंट इसके अकॉर्डिंग चल रही है। फॉर एन एसी सर्किट देन फाइंड आउट ए पार्ट, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, डेल्टा फाई बिटवीन वी एंड आई, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताना है। दूसरी चीज क्या बतानी है, टोटल इंपीडेंस, रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ये चीजें बतानी, इंपीडेंस बताना है, रिएक्टेंस बताना है, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस बताना है। सेकंड थर्ड चीज क्या बतानी है इसमें, पावर फैक्टर यानी के कॉस फाई की वैल्यू बतानी है क्या होगी एंड पावर डिसिपेटेड क्या होगी, ये बताना है। फोर्थ क्या बताना है, कंपोनेंट्स कंटेन्स बाय सर्किट, कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, ठीक है, ओके। देखिए करना कैसे है, ये इसने बोला है फेज का डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, वी एंड आई में फेज का डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाई थ्री, तो जो ए पार्ट है उसका आंसर तो कितना आ रहा है, सीधे सीधे पाई बाई थ्री। ये देखो वी और आई की इक्वेशन है, इक्वेशन से ही पता चल रहा है पाई बाई थ्री, ए का तो आंसर यही है। इंपीडेंस, इंपीडेंस मतलब जेड, जो सेकेंड पार्ट है उसमें जेड पूछा गया, ठीक है ना, इस जेड के लिए मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या होता है, ठीक। यहां पे आप देखिए जेड होगा डेफिनेटली वी ओवर आई, ठीक है ना, वी ओवर आई, और वी ओवर आई की वैल्यू यहां पे आपको क्या दिख रही है, ठीक, या मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप ट्राई करिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके,
तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए जेड की वैल्यू क्या होती है, वी बाई आई, वी बाई मतलब वी नॉट बाई आई नॉट, तो इसको वी नॉट बाई आई नॉट भी कर सकते हो। वी नॉट की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट और ये कितनी है 100 मिली एम्पियर, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 0.1 यानी कि 1000 ओम, ये इंपीडेंस की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब आप ये देखिए इंपीडेंस के बाद इसने रिएक्टेंस पूछा है, ठीक है ना। रिएक्टेंस क्या होता है, अगर मैं ये वाला डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो जो जेड है देखिए यहां पे करंट इज लीडिंग बाई वोल्टेज, ठीक है ना, यानी कि करंट वोल्टेज से आगे है यहां पे, ठीक है। तो समझ लीजिए जो जेड है, जो यहां पे जेड है वो समझ लीजिए इस तरफ है करंट में, और ये वाली वैल्यू कितनी है पाई बाई थ्री। तो आप देखिए ये जेड है तो यहां पे ये चीज रिएक्टेंस हो गई, ठीक है ना। तो जेड का कॉस 30 इज रिएक्टेंस, यानी कि यहां पे अगर मैं रिएक्टेंस देखूं, रिएक्टेंस इज एक्स सी माइनस एक्स एल, ये होगा क्योंकि एक्स सी तो इस तरफ होता है और एक्स एल इस तरफ होता है। अब ये करंट लीडिंग है तो ये चीज इस तरफ होगी एक्स सी की तरफ, तो एक्स सी माइनस एक्स एल यही रिएक्टेंस है, जो कि वैल्यू ये है, रिजल्टेंट तो यही है क्योंकि एक्स सी थोड़ा ज्यादा होगा एक्स एल कम होगा, तो रिजल्टेंट इस तरफ आया है। अब ये हो गया जेड तो ये हो गया, ये पाई बाई थ्री हो गया, तो ये पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगी, यानी कि जेड कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। जेड की वैल्यू कितनी है 1000, कॉस 60 कितना होगा 1/2, तो कितना हो गया रिएक्टेंस 500 ओम, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये वाला हो गया साइन 60, कॉस 60 नहीं है, कॉस 5 कॉस 30 आएगा, दिस शुड बी कॉस 30 एंड कॉस 30 इज रूट 3/2, तो 500 रूट 3 आंसर होगा यहां पे, ये आंसर है। अब इसने पूछा रेजिस्टेंस, अब हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा इस डायग्राम में जो ये डायग्राम बन रहा है और जो रिजल्टेंट जेड आ रहा है यहां पे, जेड का ये वाला कंपोनेंट, जेड कितना है यहां पे, जेड तो यहां पे 500 है, जेड कितना है 1000, जेड कितना है यहां पे 1000, ठीक है। तो जेड का ये वाला कंपोनेंट कितना हो, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कॉस 60, यानी कि आर की वैल्यू हो गई जेड कॉस 60 डिग्री, जेड कितना है 1000 कॉस 60 1/2 यानी कि 500 ओम, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी निकल आया, रिएक्टेंस भी निकल आया और इंपीडेंस भी निकला, कॉस 5, कॉस 5 सीधे सीधे कॉस 60 यानी कि 0.5, ये यहां पे पावर फैक्टर है, ये यहां का पावर फैक्टर है कॉस 5। अब पावर फैक्टर निकल गया, ये सी मतलब थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब पावर क्या होगी, वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस इंटू कॉस 5, वी आर एम एस कितनी होगी 100 बाई रूट 2, आई आर एम एस क्योंकि आई मिली एम्पियर में दिया हुआ, तो ये 0.1 लिया जाएगा और इसके नीचे रूट 2 लिया जाएगा, इंटू कॉस 5 कितना है 1/2, तो ये 2 और ये 2 4 तो नीचे आ गया, 0.1 ये है, 0.1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 10/4 यानी के 2.5 वॉट, ये पावर आ गई। अब फोर्थ नंबर पे ये बोल रहा है कंपोनेंट, यानी कि सर्किट में क्या क्या चीज है। देखिए एक तो सर्किट में रेजिस्टेंस होना जरूरी है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कैसे पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि फाई इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, फाई जो है पाई बाई टू के बराबर नहीं है, क्यों, अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो जो जेड है जेड वर्टिकल लाइन पे होता है और फाई की वैल्यू पाई बाई टू हो जाती है। फ्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट, इक्विमोलर सॉल्यूशन दे दिए, बी केयरफुल, ये क्वेश्चन पर्पसली इसलिए डिजाइन करा है बेटा कि स्टूडेंट गड़बड़ करता है, ठीक है। अगर वो डेल्टा टीएफ का ऑर्डर बोलता
तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला आई इंटू के एफ इंटू एम, के एफ सबके लिए सेम है, इक्विमोलल बोलते ही एम भी सेम है, जिसका आई सबसे ज़्यादा होगा उसका डेल्टा टी एफ सबसे ज़्यादा, ठीक है। बट फ्रीजिंग पॉइंट उल्टा होता है, वाई, क्योंकि डेल्टा टी एफ जो होता है बेटा वो होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो टी एफ जो होगा इट विल बी टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ, तो जिसका डेल्टा टी एफ जितना ज़्यादा होगा उसका टी एफ उतना ही कम, क्योंकि मान लो टी नॉट एफ है 300, अब डेल्टा टी एफ 10 हुआ तो टी एफ की वैल्यू 290, बट अगर डेल्टा टी एफ 20 हो गया तो 280, तो ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना कम होगा। इसलिए यही मैंने फ्रीजिंग पॉइंट का पर्पसली क्वेश्चन डाला है, बॉइलिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर होगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में ये चीज़ प्लस हो जाएगी, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट में उल्टा होता है इसलिए स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है। तो जिसका आई सबसे ज़्यादा, अब इसमें बी ए सी एल टू का आई 3 है, एक बेरियम दो क्लोराइड, एन ए सी एल का है 2, के फोर एफ ई सी एन 6 का 5, 4 ये और एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट और एक यूरिया का 1, ठीक है। जिसका आई सबसे ज़्यादा उसका डेल्टा टी एफ सबसे ज़्यादा, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, तो सबसे कम होगा 3 का, 3 के बाद 1 का, 1 के बाद 2 का, फिर 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी, है ना। तो इसमें केयरफुल रहना बेटा, ठीक है। यहाँ पर तो एक अच्छी चीज़ है कि एग्जैक्टली उल्टा ऑर्डर दिया ही नहीं है उसने, अगर एग्जैक्टली उल्टा ऑर्डर देता तो आप में से कई स्टूडेंट्स वो टिक करके आ जाते, ठीक है। ये एक्सेप्शन के यहाँ के लिए, ना बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक्सेप्शन होगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए सीधे जो डेल्टा टी बी का ऑर्डर है वही हो जाएगा, और वेपर प्रेशर के लिए भी वही, जो आर एल वी पी का ऑर्डर होगा वही वी पी का भी ऑर्डर होगा, केल नहीं सॉरी उसमें भी उल्टा होगा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट में सेम होता है वेपर प्रेशर और इसमें उल्टा होता है। ए ई की पावर क्या है, माइनस ए बाय आर टी, है ना। मैं दोनों साइड्स का लॉग ले लेता हूँ, है ना, टेकिंग ln ऑफ बोथ साइड्स। तो अगर मैं दोनों साइड्स का ln ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, ln k इक्वल्स टू ln a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। अब ln ऑफ a इंटू बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ln a प्लस ln b लिख सकता हूँ, और ln और e तो क्या होते हैं एक दूसरे के जानी दुश्मन, जैसे h प्लस का जानी दुश्मन ओ एच माइनस, जहां भी मिलेंगे दोनों हमेशा क्या कर देंगे एक दूसरे को खत्म करेंगे। तो ln का जानी दुश्मन कौन होगा, e, स्टूडेंट का जानी दुश्मन टीचर, टीचर का जानी दुश्मन स्टूडेंट, तो ये सब है ना, स्टूडेंट टीचर से परेशान रहता और टीचर स्टूडेंट से परेशान रहता, ठीक है ना। तो ये सब जानी दुश्मन जहां पर भी आएंगे बेटा एक दूसरे को क्या कर देंगे स्वाहा खत्म कर देंगे, तो ये कैंसिल। सो माय इक्वेशन विल बी व्हाट, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ea अपॉन rt। और अगर आप इसे लॉग में बदलना चाहो तो मेरे पास ऑलरेडी क्या था, ln x और log x में क्या रिलेशन होता है, ln x इक्वल्स टू 2.303 log x। तो आप चाहो तो इसे लॉग में बदलना चाहोगे तो इट विल बी log k इक्वल्स टू log a माइनस ea अपॉन 2.303 rt। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और इनफैक्ट एक क्वेश्चन तो जेई 97 है ना, जिस साल मैंने जेई दी थी तब आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। और जेई 97 में रिपीट हुई थी, अगर आपको पता हो तो पेपर लीक हुए थे जेई की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, एक एग्ज़ाम मई में भी हुई थी, एक एग्ज़ाम फिर बाद में, पहले एग्ज़ाम मई में होती थी बेटा, पहले जेई की एग्ज़ाम मई में होती थी, 3-3 घंटे के 3 पेपर होते थे सब्जेक्टिव, 2 दिन एग्जाम चलती थी, आजकल 3-3 घंटे के 2 पेपर हो गए, पहले 9 से 12, 2 से 5, सैटरडे संडे एग्जाम होती थी। पेपर लीक होने के बाद मई वाले पेपर बाद में उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराई थी जुलाई में, तो मई में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन और जुलाई में वापस पूछा गया। तो इस इक्वेशन के ऊपर भी काफी क्वेश्चन, टेम्परेचर वाला इफेक्ट ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल द फॉर्मूलास आर इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। एक तो ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन ln k वर्सेस 1 बाय t, या व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन log k वर्सेस 1 बाय t, तो क्या जवाब होंगे आपके, ln k वर्सेस 1 बाय t का ग्राफ कैसा होगा मेरा, ln k ये y एक्सिस ले लो
पूरा 1 बाय टी एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना, तो ये वाई हो गया, टी एक्स हो गया, तो वाई और एक्स एक दूसरे का क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एक तरह से वाई इक्वल टू क्या हो गया, सी माइनस एम एक्स, तो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, जिसका इंटरसेप्ट कितना होगा, एल एन ए, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप जिसका इंटरसेप्ट एल एन ए है, और इनफैक्ट अगर कभी आपसे स्लोप पूछे बेटा तो इसका स्लोप किसके बराबर होगा मेरा, माइनस ऑफ ए बाय आर, ओके। इन द सिमिलर वे अगर वो लॉग के वर्सेस 1 बाय टी का ग्राफ पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ग्राफ दिस ग्राफ है ना सेम ही रहेगा, बट स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, लॉग ए, ठीक है, और स्लोप की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी मेरा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। तो कभी कभी आपसे स्ट्रेट लाइन का ये कर्व देखकर भी एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह आपसे पूछी जा सकती है, तो इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस सॉलिबिलिटी ऑफ MCl2 इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 इज इतने टाइम्स लेस कंपेयर्ड टू इट्स सॉलिबिलिटी इन प्योर वाटर, हेंस कंसंट्रेशन ऑफ CaCl2। अब MCl2 है किस किस में टूटेगा, M+2, 2Cl-, तो इसलिए इसका जो KSP का एक्सप्रेशन होगा बेटा वो M+2 का कंसंट्रेशन Cl- का होल स्क्वायर, इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मतलब ये दिया है 4×10^-12। वाटर में सॉलिबिलिटी कैसे निकालोगे, तो अगर आपने मेरे सेशन देखे हो, नहीं भी देखे हो बेटा तो फार्मूला याद होना जरूरी है, KSP इक्वल्स टू 4S³ होता है वाटर में सॉलिबिलिटी का फार्मूला टर्नरी सॉल्ट के लिए। तो जैसे आपने ये करा तो इससे आपकी S की वैल्यू हो गई 10^-4, ये उसकी वाटर में सॉलिबिलिटी है। उसने कंडीशन दी है कि CaCl2 के सॉल्यूशन में इसकी सॉलिबिलिटी इतने टाइम्स लेस हो गई है कंपेयर टू वाटर, मतलब अब जो इसकी नई सॉलिबिलिटी है वो इतनी हो चुकी है बेटा, जो वाटर में थी उससे इतने टाइम्स आपको इसे कम करना है, ठीक है। एंड नाउ ही इज आस्किंग कि व्हाट इज द क्या कंसंट्रेशन ऑफ CaCl2 इन द सॉल्यूशन, ये -4, ये 8, ये हो गया -12, ये -12 कैंसल, 2 जो आपका हो गया 4×4, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl- का स्क्वायर इतना, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl- हो गया कितना बेटा 4। अब बी केयरफुल, एक आंसर मुझे पता तो वो 4 देगा, बट 4 इज नॉट द करेक्ट आंसर क्योंकि CaCl2 है बेटा आपके पास, तो अगर आपसे कंसंट्रेशन ऑफ CaCl2 बोला है तो उसका आंसर 2 मोलर होगा क्योंकि ये 1:2 के रेशियो में है। तो सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन बन गया है अपने आप में, आपका आंसर इज 2। होपफुली ये सॉल्व हो भी गया होगा आपसे, जिनसे नहीं हुआ है ये सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी टाइम से केमिकल रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, पिछले 3-4 सालों से उम्मीदें आ जाए। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड 27 डिग्री सेल्सियस द हीट ऑफ कम्बशन ऑफ 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन इज इतना, व्हाट विल बी द हीट ऑफ कम्बशन ऑफ बेंजीन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मतलब बेटा डेल्टा यू दिया है और पूछा है कॉन्स्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच, और केमिकल रिएक्शंस के लिए मेरी रेटिंग थोड़ी नंबर 1 पर है कि आपको इस साल क्वेश्चन मिल सकता है। और केमिकल रिएक्शंस के लिए हमेशा जो फॉर्मूला यूज़ होगा, डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। इनफैक्ट मैंने आपको शायद 2 सेशन पहले ही बोला था कि जनरल फार्मूला डेल एच और डेल यू का होता है, जो दुनिया की हर प्रोसेस, दुनिया के हर सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल होता है, वो डेल एच बराबर डेल यू प्लस P2V2-P1V1, ये फार्मूला डिराइव उसी से हुआ है बेटा। बिकॉज केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर होती है, तो पहले तो पी कांस्टेंट ले लिया, तो पी कांस्टेंट ले लिया तो बचा V2-V1। अब केमिकल रिएक्शंस के लिए फाइनल V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम, तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा, है ना, डेरिवेशन बस एक मिनट में समझा दूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे, कि एक जनरल फार्मूला याद होने से हम हमेशा ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए फाइनल वॉल्यूम मतलब प्रोडक्ट का और इनिशियल वॉल्यूम मतलब रिएक्टेंट का, तो मैंने V2 को VP लिखा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, और V1 को VR लिखा। अब PVP मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, तो PV आइडियल गैस ही मान के चलोगे, तो PVP को आप NRT अगर लगा देते हो तो NPRT लिखो, और PVR को लिखो बेटा NRRT,
और जब रखोगे तो आरटी तो कॉमन निकला, बचा एनपी माइनस एनआर, उसी को ही डेल्टा एनजी लिखा है। और गैस इसलिए लिया है केवल क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मेजर चेंज इन वॉल्यूम होता है ओनली फॉर गैसेस, तो इस जनरल फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आ रहा है, इनफैक्ट हर प्रोसेस के लिए आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले एक तो बेंजीन के कंबशन की रिएक्शन लिखनी है क्योंकि वहीं से डेल्टा एनजी पता पड़ेगा, ठीक है ना। तो C6H6 प्लस O2 गैस, बेंजीन लिक्विड होता है बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर पर ध्यान देना, इट विल गिव यू 6CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड। टेम्परेचर का जरूर ध्यान देना है, 27 डिग्री सेल्सियस है, इस वजह से वाटर मैंने लिक्विड लिया है। अगर ये 127 डिग्री सेल्सियस होता, मतलब 100 से ज़्यादा हो जाता, तो H2O को भी गैस लेते, इसलिए इस क्वेश्चन की रेटिंग मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बैलेंस करो, 2 6 12 प्लस 3 15 ऑक्सीजन एटम्स, तो ये 15/2 हो गया, ठीक है। तो इससे अब अगर आप इसका डेल्टा एनजी निकालोगे, इट विल बी 6 - 15/2 मतलब -3/2, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया -3/2, आर की वैल्यू उसने भले 8.3 दी हो, मेरी एडवाइस मानेगा 25/3 यूज़ करें, उससे क्या होगा कैलकुलेशन आसान होगी। और दूसरा आपका ना टेम्परेचर 300 है, अगर गलती से वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस भी देता तो भी कैलकुलेशन में टाइम खोटी ना करें, वो आपको 300 ही लेना है। और बी केयरफुल, किलो जूल है तो नीचे 1000, ठीक है। पहले तो ये वाला पार्ट हो गया, अब अंदर यहाँ पे रखने वाली वैल्यू में बी केयरफुल, है ना। यहाँ पर कई स्टूडेंट सीधे 327 रख देंगे, जो गलत है बेटा, ठीक है, जो गलत है। क्यों गलत है, सबसे पहली चीज़ आप देख लो, चारों के साइन नेगेटिव हैं। अगर आपने डायरेक्टली 327 रखा तो वैसे ही आपका गलत है। क्यों भैया, कंबशन मतलब ऑलवेज हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो अगर उसने हीट ऑफ कंबशन बोला है तो उसे साइन देने की ज़रूरत नहीं है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साइन के साथ रखें, पहला कि माइनस रखना है। और माइनस अगर आपने 327 रखा तो आपका आंसर फिर सी आ जाएगा, तब भी गलत है, ये भी बता दूँ। अब क्या गड़बड़ करी, उसने बोला है, ठीक है ना, कहाँ बोला है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अनलेस अदरवाइज मेंशनड, IUPAC ने फिक्स करा है कि आपको एक मोल के लिए निकालनी है कोई भी वैल्यू, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो एक मोल के लिए IUPAC ने फिक्स कर दिया है, बिकॉज एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अदरवाइज क्या होगा, कोई बोलेगा सर मेरा लकी नंबर तो 2,85,980.89 है, कोई बोलेगा सर मेरा लक्की नंबर तो सचिन तेंदुलकर 10 नंबर की जर्सी पहनता है, कोई मेसी का लक्की नंबर बना देगा कि सर मेरे को तो वो पसंद है। तो IUPAC ने बोला है भैया मैं लाखों करोड़ों लोगों से डील नहीं कर सकता हूँ, उसने एक ही रूल बनाया है, अनलेस अदरवाइज मेंशन, हमेशा एक मोल के लिए, 7.8 ग्राम के लिए 327, तो एक मोल बेंजीन का मोलर मास है 78, तो अगर 7.8 के लिए 327 तो 78 के लिए इसका 10 टाइम्स मास 10 टाइम्स हुआ, तो एनर्जी भी 10 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और प्लस दूसरी चीज़ माइनस साइन के साथ रखना कंपलसरी है। अब आप देख लो कैलकुलेशन काफ़ी इजी थी, ये 3 से 3 गया, 1, 2, 3 मतलब 2 जीरो गए, अभी तो सॉरी ये 2 जीरो गए, ठीक है। 25, 3 जा 75, नीचे 10 है आपका 3.75 मतलब सॉरी 75/10 7.5 और 7.5/2 आपका हो गया कितना 3.75 मतलब आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर मतलब एग्जैक्ट आंसर -32 माइनस माइनस ऐड हो गया 73.75, ठीक है। तो इसलिए आपको आंसर कौन सा टिक करना है, ए वाला -3273, क्लियर। तो ये मेरे हिसाब से इसकी रेटिंग में हाई रखूँगा क्योंकि काफ़ी सालों से केमिकल रिएक्शंस के ऊपर डेलेश से डेल्यू या डेल्यू से डेलेश के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है बेटा, और ये स्टूडेंट का थोड़ा वीक पॉइंट भी है, आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द ऑफलाइन कि मैं इतना स्ट्रेसफुली समझाता हूँ ये कैलकुलेशन, ये रिएक्शन लिख के डेल्टा एनजी निकालना, बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट गड़बड़ करता है, इसलिए इसमें आप अब न करें, एक क्वेश्चन से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। Al+3 है जैसे, ठीक है, हमारे पास Al+3 था, क्रोमियम था और फिल्ट्रेट जो हमारे पास मिला सेकेंड ग्रुप का उसमें क्रोमियम था, उसमें हमने NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl मिलाया, तीनों के हमें प्रेसिपिटेट मिल गए, AlOH होल थ्रेस का व्हाइट कलर का, क्रोमियम का ग्रीन कलर का, Fe का रेडिश ब्राउन, ठीक है। फिर से छान के उन प्रेसिपिटेट्स को अलग करा, फिल्ट्रेट को आगे के ग्रुप्स के लिए 4, 5, 6 के लिए रखा, कंसेंट्रेटेड HCl मिलाया तो तीनों अपने क्लोराइड में आ चुके, अब सब सॉल्यूबल हैं, HCl3 सॉल्यूबल था,
हमारा काम Al प्लस 3 से. मेटलर्जी में ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बेसन गाल जीप वाली हो गई. NaOH डालोगे तो पहले AlOH होल थ्राइस का व्हाइट पीपीटी मिला, और उस AlOH होल थ्राइस में NaOH आपने डाला तो आपको एल्यूमिनेट मिलेगा AlOH होल 4 माइनस, जो गर्म करने पर पानी अलग कर देगा और मेटा एल्यूमिनेट आपको बना देगा. ठीक है, अब और टेस्ट अगर देखें है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट रीअपियर्स ऑन एडिशन ऑफ एसिड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन. दीज आर द फॉलोइंग कंटेंट बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, है ना, इनमें से पोलर भी होना चाहिए नॉन पोलर. अगर आप NH4Cl को लोगे तो उसमें आयनिक बॉन्ड है NH4 प्लस और Cl माइनस, प्लस साथ में NH4 प्लस के सभी बॉन्ड पोलर है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ HN. HCN को लोगे बेटा तो H और CN में बॉन्ड्स तो कोवालेंट है बट दोनों पोलर हैं, यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस है यहाँ पर भी. H2O2 को लोगे तो ये है स्ट्रक्चर, ये वाला पोलर बॉन्ड और O वाला नॉन पोलर बॉन्ड, तो ये नॉन पोलर ये पोलर दोनों आ गए. और CH4 में ठीक है ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो सब बॉन्ड को एक जैसा ही बोलेंगे पोलर. ठीक है, एक्चुअली CH4 भले नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बॉन्ड्स पोलर हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं. ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस वजह से है क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है. H2O2 ओवरऑल पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसका कुछ डाइपोल मोमेंट है. तो बी केयरफुल, कई बार स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूज हो जाता है. ठीक है ना, उसके बॉन्ड्स तो पोलर हैं बेटा CH4 के बट कंपाउंड ओवरऑल नॉन पोलर है. ये पोलर और नॉन पोलर दोनों बॉन्ड हैं बट कंपाउंड ओवरऑल आपका पोलर है, इसलिए डाला था कि ये भी कॉन्सेप्ट कवर है. ठीक है, नाउ द सेकंड डिफेक्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट. है ना, अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है बेटा कि फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी आयन गायब नहीं होगा. ठीक है ना, वो मिसप्लेस हो जाता है. तो ठीक है ना, फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी आयन गायब नहीं होता. जैसे यहाँ का जो आपका माइनस था प्लस था वो मिसप्लेस हो गया बेटा. इन खाली जगहों को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर आपको पता हो तो इन खाली जगहों का नाम होता है इंटरस्टिशियल. याद है ना, मैंने इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोला था, तो इस चैप्टर में बार बार इंटरस्टिशियल वर्ड यूज होता है. तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कोई भी आयन मिस नहीं होता है. ठीक है ना, मतलब सॉरी मिस, हाँ मिस मतलब गायब होना, तो मिस नहीं होता है, उल्टे मिसप्लेस होता है बेटा. ये अपनी इस पोजीशन से जाके इधर चले गया, मान लो ये माइनस वाला था तो कहीं भी जाके क्रिस्टल में बैठ गया, और हमेशा बैठेगा किस में आपका, इंटरस्टिशियल्स के अंदर. तो ये वो क्रिस्टल का डायग्राम होगा जिसके अंदर कौन सा डिफेक्ट प्रेजेंट है मेरा, फ्रैंकल डिफेक्ट. है ना, तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछे कि फ्रैंकल डिफेक्ट की क्या डेफिनेशन है तो क्या बोलेंगे, डिफेक्ट्स इन विच सम ऑफ द आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर करेक्ट पोजीशन एंड ऑक्यूपाइज पोजीशन इन द इंटरस्टिशियल कांट बी ऑब्टेन बाय. है ना, अब ये क्वेश्चन भी अभी तक कवर तो हो चुका है बेटा, बट मुझे लग रहा था कि एक बार फाइनली सेशन में फिर से आपका रिविजन हो जाए लास्ट पेपर में. और फिर नए फॉर्म में दिया है मैंने, ये भी है हीटिंग ऑफ NH4NO3 और NH4NO2, ऑप्शन ए ही करेक्ट है. क्योंकि मैंने आपसे बोल दिया है कि नॉर्मली सभी अमोनियम कंपाउंड्स गर्म करने पर आपको अमोनिया देते हैं, एक्सेप्शंस मैंने तीन में बताया था बस आपको, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है ना, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइड और अमोनियम डाइक्रोमेट. बाकी सब जैसे NH4Cl है बेटा, ऑप्शन बी की बात करूँ, ऊपर वाला को तो बता ही रहा हूँ, पहले बाकी भी बता दूं, तो NH4Cl टूटेगा NH3+HCl में, अमोनियम कार्बोनेट टूटेगा 2NH3+CO2+H2O में. ठीक है, रिएक्शन हीटिंग ऑफ NH4NO3 व्हेन NaOH, ये तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे भूलना मतलब आपने बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं करी है JEE की अगर इसे भूल जाते हो आप, क्योंकि ये तो रूल है बेटा, एनी अमोनियम कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद बेस हमेशा रिलीज करेगा क्या NH3. ठीक है ना, पहले तो ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, और आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो गया तो NH3 मिलेगा आपको, NaNO3 मिलेगा प्लस H2O, एनी अमोनियम कंपाउंड. है ना, फोर्थ रिएक्शन को भी भूलना आपके लिए महापाप के बराबर है, क्योंकि ये तीनों के हाइड्रोलिसिस JEE में पूछे गए, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्राइड और कैल्शियम साइनामाइड.
इन सब का हाइड्रोलिसिस पूछा जा चुका है ना। और हाइड्रोलिसिस में मैंने एक ही रूल बोला है कि कैटायन को OH दो, एनायन को H दो। तो इसका कैटायन Al है, ये OH लेगा तो ये बन गया AlOH होल थ्राइस। और नाइट्रोजन एनायन है तो वो H लेगा, माइनस थ्री चार्ज था, तीन H लेके NH3। अगले में भी सेम यही बेटा, MgOH होल ट्वाइस बनेगा और प्लस NH3 बनेगा, ठीक है। और लास्ट में कैल्शियम साइनामेट का कराओगे तो ये आपको CaCO3 देगा प्लस साथ में NH3 देगा, ठीक है। सब में अमोनिया मिल रहा है एक्सेप्ट फर्स्ट वाले में, और उनका रीज़न क्या है एक्चुअली, तो जैसे NH4NO3 साइड में बता दूं बेटा, मैकेनिज्म तो पूरा नहीं जाऊंगा, ये भी गर्म करने पर NH3 प्लस HNO3 ही बनाता है। क्योंकि जनरल पहला रूल तो यही है, एनी अमोनियम कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स अमोनिया, ठीक है ना, प्लस जिस एसिड से वो मिलके बना है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर HNO3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए ये तीनों तो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोले ही थे, फर्स्ट का है N2O प्लस H2O, सेकेंड में N2 प्लस 2H2O, और थर्ड तो JEE में पता नहीं कितनी बार पूछी गई रिएक्शन है, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करोगे तो N2 प्लस Cr2O3 प्लस 4H2। तो इन तीनों को तो आप अगर प्रीवियस सेशन, अब मुझे पेपर तो नंबर तो नहीं याद रहे ना बेटा किस सैंपल में मैं डाला था, बट ये मैं डाल चुका हूँ पहले भी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला था, ठीक है। तो अमोनिया वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, ये सब रिएक्शंस अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस एच एस माइनस एंड एस माइनस टू। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस एच एस माइनस एंड एस माइनस टू इन 0.1 मोलर H2S सॉल्यूशन, है ना। ब्रैकेट में आपको उसका K1 दिया है 10^-7 और K2 दिया गया है 10^-14। कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एच एस माइनस एंड एस माइनस टू इन 0.1 मोलर H2S सॉल्यूशन। K1 K2 तो मैंने बता दिया है ना, परंतु प्रॉब्लम में जब आएगा तो इस तरह से वापस ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा आपका। अब क्या लॉजिक है यहाँ पर हमारा, है ना, लॉजिक ये है भैया, पहला प्रॉब्लम है कि आपको इतना तो मैंने बता ही दिया कि H प्लस केल कौन सी स्टेप से प्रोड्यूस होंगे, फर्स्ट स्टेप से। तो आप तो केल इसे फर्स्ट की तरह लो, K1 कितना है 10^-, और C कितना है 0.1, रेशो निकाल लो कितना है रेशो 10^-6, हमारे रिक्वायर्ड नंबर से तो खूब छोटा है, ठीक है ना। अब अल्फा देखिए, मैंने क्या बोला था, धीरे धीरे करके अल्फा का रोल कम होता जाएगा और ज्यादा रोल किसके ऊपर आता जाएगा, H प्लस, है ना। तो हमने चेक कर लिया है कि हमारा रेशियो रिक्वायर्ड नंबर से कम है, बट आई रिक्वायर ओनली कंसंट्रेशन ऑफ किसका, H प्लस। सो व्हाट फॉर्मूला आई विल यूज, अंडर रूट ऑफ K into C। तो हम लोग बस उसकी जगह क्या बोल देंगे, K1 into C, ठीक है ना। और दैट इज 10^-, कितना 8, और ये -8 तो अंडर रूट निकालने के बाद 10^ कितना -4। अगर pH पूछेगा तो आई विल से कि pH कितना 4, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ OH- पूछेगा तो आई विल से 10^ कितना आपका -10। क्लियर। अब कॉमन एन इफेक्ट किस स्टेप के ऊपर लग रहा है, सेकंड के ऊपर कि फर्स्ट के ऊपर भी, सेकंड। अगर केल सेकंड के ऊपर लग रहा है, मतलब H प्लस और HS माइनस का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम। जिसके ऊपर कॉमन एन नहीं लगेगा उनमें कंसंट्रेशन क्या होंगे आपके, सेम होंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो कि H प्लस और HS माइनस क्या है, बराबर। बट स्टिल आपको तसल्ली नहीं हो रही है तो आप अपना एक्सप्रेशन से जा सकते हो। K1 का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे आप, 10^-7 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ किसका, H प्लस, मतलब 10^-4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ किसका, HS माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2S। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर ऑल्सो कि आपके लिए कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस कितना आया है, 10^-4, है ना। तो आप चाहो तो डायरेक्ट बोल सकते थे, बट अगर आपको कंफ्यूजन लगता है
तो आप अपना एक्सप्रेशन से जा सकते हो। अब मैं किसका निकाल लूं, एस माइनस टू का, उसके लिए मुझे किसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, अपना के टू का। और क्या एक्सप्रेशन होगा, 10^-14 इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस 10^-4 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वॉट, एस माइनस टू, ठीक है ना, अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एच एस माइनस, इसका आएगा दैट इज 10^ कितना, -4, ठीक है ना। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो कंसेंट्रेशन ऑफ एस माइनस टू कितना हो जाएगा हमारा, 10^-14। क्या 11 11 कर रहा ठीक है, तो इस तरह से आपका तीनों का कंसंट्रेशन निकल जाएगा, किस किस का, H प्लस, एच एस माइनस और S माइनस टू का। अब अगर मैंने इसमें HCl डाल दिया तो क्या होगा, है ना, HCl डालते ही क्या होगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो H प्लस केवल वो देगा और इनके ऊपर क्या लग जाएगा, कॉमन एन इफेक्ट, है ना। तो भले बस लिख लो दो लाइन कि, है ना, इन मिक्सचर ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इन मिक्सचर ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इन मिक्सचर ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, एच प्लस आयन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, H plus ion will be produced by strong acid and common ion effect will operate on H plus ion will be produced by strong acid and common ion effect will operate on all steps of polyprotic acid. लास्ट क्वेश्चन, Fe4 FeCN6 ऑक्साइड इज ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स, वो तो हमें पता ही बेटा, इट इज प्रूशियन ब्लू। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज ए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आयरन एटम इज बी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ काउंटर एटम आयरन एटम इज सी, ए बी सी की वैल्यू बताओ। एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 4 और 3 7 Fe 7x, ठीक है ना, साइनाइड 6 और 3 18, ठीक है ना, एक साइनाइड के ऊपर -1 का चार्ज, तो 18 के ऊपर -18 इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू +18/7, ये तो एवरेज हो गई बेटा, मतलब आंसर सी या डी। अब इंडिविजुअली तो हमेशा ध्यान रखना, इसके ऊपर चार्ज, कोई भी आयन अगर आप लिखते हो AXBY टाइप का, तो A के ऊपर चार्ज, पहले हमेशा कैटायन होता है बाद में एनायन, A के ऊपर चार्ज +5 होगा, बी के ऊपर चार्ज -x होगा, तो एफ बाहर वाले Fe, इसको काउंटर, ना क्वेश्चन क्यों हो गया अपने आप में, अच्छा आपसे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉलेज चेक कर रहा है कि आपको सब टर्म्स पता है कि नहीं, ठीक ना, आपको सब टर्म्स पता है कि नहीं, तो ये काउंटर आयन होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है, ये आयनेशन स्फेयर होता है, और कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर जो मेटल होती है उसी को सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, ठीक, अंदर वाला Fe आपका, एक बार आपने बाहर वाला Fe+3 अलग करा, तो अब जो स्पीसीज बची है बेटा, वैसे तो बाहर वाला आपने प्लस थ्री बोल दिया है, तो प्लस थ्री वाला काउंटर आइटम C बाद में लिखा हुआ है, तो आंसर केवल C ही हो सकता है, ठीक है, बट तब भी अगर निकालना हो तो ये -4 करोगे, ठीक है, और इससे अब आप, है ना, एक्स Fe की 6 साइनाइड -6 इक्वल्स टू -4, एक्स की वैल्यू +2, है ना। अब जिसने भी ये करा है बेटा वो बेवकूफ़ी होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए सीधे सीधे कि ये कैसे बना था, है ना, Fe+3 और FeCN6-4 फेरिक आयन का ये टेस्ट है, फेरिक आयन जब कंबाइन कर रहा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, या सिंपली फेरोसाइनाइड बोले, बट आपके लिए मैंने लिख दिया है।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ बोल सकते हैं. तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. इसमें सबसे पहले देखो फर्स्ट का एनालिसिस करें. जैसे मैंने आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाई थी तो ये डिस्कस किया था गुआनाडीन, गुआनाडीन बेस. ठीक है, तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो CH3 सी डबल बॉन्ड NH एंड NH2, तो हमारे पास दो नाइट्रोजन है. बट इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा डबल बॉन्ड के साथ, और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा. तो यही ज़्यादा बेसिक है. फिर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा. तो NH2 ग्रुप यहां पर अप्लाई कर रहा है लसम इफेक्ट, और जिससे इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जा रहा है, और इसको हम बोल सकते हैं प्लसम इफेक्ट. और इस वजह से कंपाउंड वन की जो बेस स्ट्रेंथ है ये सबसे ज्यादा आएगी. ठीक है, वन की जो बेस स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा आएगी. ओके, अब इसमें देखें फोर्थ वाला जो ऑप्शन है. ठीक है, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसमें CH3 सी डबल बॉन्ड और NH2, तो ये जो लोन पेयर है पहली बात ये डिलोकलाइज्ड है. ठीक है, और ये अमाइड फॉर्म है, और अमाइड्स जो होते हैं दे आर वेरी वीक बेसिस. व्हाई वेरी वीक बेसिस? बिकॉज ऑफ डिलोकलाइज्ड लोन पेयर और बिकॉज ऑफ द विड्रॉइंग नेचर ऑफ सी डबल बॉन्ड. सी डबल बॉन्ड इज ए माइनस एम ग्रुप. ठीक है, तो अमाइड होने के कारण इसकी सबसे कम बेस स्ट्रेंथ हमको देखने को मिलेगी. ओके, तो एक तरफ तो ये प्लस एम लगा रहा है, एक तरफ ये सी डबल बॉन्ड माइनस एम लगा रहा है. अब बाकी के दो कंपाउंड जो है नॉर्मल कंपाउंड्स हैं, और आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री है. तो 2 डिग्री की बेस स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है 1 डिग्री से. बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ मोर इंडक्टिव इफेक्ट. तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, और इसका आंसर आएगा 1324, और ऐसा ऑप्शन है बी. तो 18 का करेक्ट आंसर आ जाएगा बॉम्बे. नंबर 23, हेक्स 2 आइन. ठीक है, 2 हेक्स आइन. ठीक है, हेक्स 2 आइन गिव्स ट्रांस 2 हेक्सीन. तो इससे हमें बनाना है ट्रांस. सो ट्रांस स्ट्रक्चर में दोनों एच ऑपोजिट साइड में है, मतलब ये एंटी एडिशन है, और एंटी एडिशन कराने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम एंड अमोनिया और लिथियम एंड अमोनिया, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बर्च रिडक्शन. सो वी यूज बर्च रिडक्शन. ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है इसमें इंटरमीडिएट आयन रेडिकल बनते हैं, और ये मैंने थ्योरी कोर्स में कवर भी किया हुआ है. तो अगर हमें ट्रांस बनाना है तो हम बर्च रिडक्शन यूज करते हैं, और अगर हमें सिस बनाना होता तो हम रोजनमंड रिडक्शन यूज करते हैं. तो इससे क्या होता है, क्यों ये सिस ट्रांस बनता है, तो वो आप थ्योरी कोर्स में आप देख लीजिए. ठीक है, इससे सिस बनता है. इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरली ऐसे ई प्लस बोल के रिप्रेजेंट किया जाता है. सो दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रोफाइल्स, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, दे आर इलेक्ट्रॉन लवर्स. ठीक है, या दोस पार्टिकल्स विच हैव अफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स. तो ऐसे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या जिनकी एफिनिटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे पार्टिकल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स होंगे. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स. ठीक है, और इस तरीके के जो पार्टिकल्स होंगे, समटाइम्स दे आर लुईस एसिड एंड समटाइम्स दे आर नॉट, बट इस तरीके के पार्टिकल्स में यूजुअली ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स में या तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा या फिर
वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे एंड सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स विल गो क्लोजर टू, या गो क्लोजर टू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विल अटैक इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ मॉलिक्यूल. तो किसी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर ये अटैक करते हैं. ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस रहती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, अट्रैक्ट करके और बॉन्डिंग करने की कोशिश करते हैं. ओके, तो हम क्लासिफाई करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को फोर टाइप से. पहले इस तरीके के पार्टिकल्स, H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, NO2 प्लस, NO प्लस. ठीक है, तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं इनमें सिमिलैरिटी क्या है, सब में पॉजिटिव चार्ज है, सभी में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और सभी के पास वेकेंट ऑर्बिटल है. ठीक है, तो क्या सिमिलैरिटी है, वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज या बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ठीक है, या बिकॉज ऑफ कई बार वेकेंट ऑर्बिटल भी रहता है. ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखें और भी हो सकते हैं, आर सी ओ प्लस. तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में इस तरीके के इलेक्ट्रोफाइल आते हैं. कुछ इलेक्ट्रोफाइल ऐसे होते हैं जैसे एल सी एल थ्री, बी सी एल थ्री, बी एच थ्री. तो इसके पास भी वेकेंट पी है. ठीक है, यहां पर भी वेकेंट पी है, यहां पर भी वेकेंट पी है. ठीक है, मगर इनमें चार्ज नहीं है, तो ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, बट दे आर न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इनमें. ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है, मगर दे आर चार्जलेस पार्टिकल, चार्ज नहीं है. और इसलिए ये पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स के कंपैरिजन में उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, या उतना ज्यादा स्ट्रांगली ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसलिए वीक रिएक्टेंट होते हैं. ठीक है, या कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में ये वीक होते हैं. कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं. ठीक है, एफ ई सी एल थ्री, डब्बा मैंने बना दिया, इसका मतलब है वेकेंट डी ऑर्बिटल है. ठीक है, और इनमें वेकेंट क्या रहता है, डी ऑर्बिटल है, तो ये न्यूट्रल, मगर वेकेंट डी ऑर्बिटल है, न्यूट्रल है मगर वेकेंट डी ऑर्बिटल. तो ऐसे पार्टिकल्स क्या होंगे, थर्ड नंबर पर होंगे, या ये इनसे भी वीक होंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले पार्टिकल से भी वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं. ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे रहते हैं जो कंप्लीट ऑक्टेट तो रहते हैं, ठीक है, SO3 हुआ, CO2 हुआ, मगर कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करे जिसमें इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल आ जाए. इस तरीके के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे वीक होते हैं. ठीक है, एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, विथ इनकम्प्लीट ऑप्टिक्ट. ठीक है, इस तरीके से चार तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो इनकम्प्लीट ऑप्टिक्ट है, या मान लीजिए कि ये पार्टिकल, तो इसका भी अगर अपन आर एस बनाए इस तरीके से, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, मतलब ये बहुत वीक है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बहुत कम है, तो इस पर क्या होगा, किसी न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन भी बहुत पुअर रेट से होगा. तो ये सबसे स्ट्रांग रहते हैं, ये होते हैं डाकू टाइप के, डाकू टाइप के, ये उनसे वीक रहते हैं, ये थोड़े चोर टाइप के रहते हैं, ये उनसे भी वीक रहते हैं, ये रहते हैं भिखारी टाइप के. ठीक है, मिल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं. और ये सबसे वीक रहते हैं, ये होते हैं दानपात्र टाइप के.
पढ़े हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को। नंबर 20, द रिएक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ, तो यहां पर ये दिया हुआ है बेंजीन OCH3 एंड द रिएक्शन विथ HI, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज प्रोटोनेशन, H+ प्रोटोनेट हो जाएगा यहां पर, और इसके बाद में क्या होगा, I- से रिएक्शन होगी, इस पर अटैक होगा, यह चला जाएगा, ठीक है। तो यहां बन जाएगा PHOH और CH3I एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म इज SN2, ठीक है, SN2 रिएक्शन होगी। तो ये तो एक तरीका हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने देखा कि कोई ईथर है और HI की रिएक्शन है, तो आप जानते हैं कि कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, जो ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर है ये कार्बन के साथ में रेजोनेंस शो करेगा। तो रिएक्शन अपन ऐसे करा सकते हैं, बॉन्ड ये वाला टूटेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर जोड़ दीजिए एंड ये आंसर इसका आ जाएगा, PHOH एंड CH3I, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा PHOH एंड CH3I, सो ए आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें देखो सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विद CO2, तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली कोलबे रिएक्शन, और ऐसे में सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनता है, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन होती है, तो ये जानते हैं हम लोग, इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। सो अगर अपन CO2 को हाई प्रेशर पर लेते हैं, ठीक है, और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर अगर हम इसको लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है COH ग्रुप, कार्बोक्सिलेशन इसका हो जाता है, और फिर हम इसको प्रोटोनेट भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोटोनेशन से दोनों ही प्रोटोनेट हो जाएंगे, एसिड दोनों ही हैं, एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। तो ये चीज आप लोग जानते हैं कि फिनॉल की रिएक्शन अगर अपन कराते हैं CO2 से, द नेम ऑफ रिएक्शन इज कोलबे रिएक्शन, ठीक है, और इससे बन जाता है। अब इसकी रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड से अगर अपन कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अल्कोहल और एसिडिक एनहाइड्राइड आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन को तो हम जोड़ सकते हैं O से, और O को जोड़ सकते हैं C से, ठीक है। सो इट विल फॉर्म ए कंपाउंड लाइक दिस, दैट इज नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो एक कंपाउंड ये बन जाएगा और एक ये और बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ऑप्शंस पर हम चलते हैं, द मेजर प्रोडक्ट सी वुड बी, तो यहां पर आप देख रहे हो कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दिस इज ऑल्सो नोन एज एस्पिरिन, ठीक है। तो इसको सैलिसिलिक एसिड से दो कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और दूसरा हम बना सकते हैं मिथाइल सैलिसिलिक। इसमें देखो NaOET के साथ रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, क्लोरीन ये तो हो गया अल्फा, आउट ऑफ प्लेन यहाँ पर एच है, तो इसको बीटा ले सकते हैं, इन द प्लेन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, और जो मिथाइल ग्रुप है वो एज इट इज रहेगा। रिएक्शन होगी E2, अल्फा से जाएगा लिविंग ग्रुप Cl, बीटा से जाएगा हाइड्रोजन, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉम्बे, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, 15 का बी आंसर आ जाएगा। अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट आप बात करें इस इक्वेशन की, डेल्टा जी को इक्विलिब्रियम से रिलेट करना, तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, रिएक्शन क्वेश्चन, ये मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी,
डेल्टा जी नॉट नहीं होगा, और क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगी, तो यहां से डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल बनेगा, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम के, या फिर आप इसे माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। याद है मैंने आपको बताया था। और यहां से एक और बड़ी काम की चीज आप देख सकते हो, ये भी मैंने इक्विलिब्रियम पे बहुत स्ट्रेस दी थी, इसके बहुत चांसेस इस साल पूछे जाने के। देखो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। तो आप डेल्टा जी नॉट की जगह लिखो माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। आर टी से डिवाइड करो माइनस आर टी से, तो इक्वेशन क्या बनेगा, एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इंटू वन अपॉन टी, माइनस माइनस जाएगा प्लस क्या बनेगा डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। तो आप देखो अगर मैं एल एन के इक्विलिब्रियम और वन अपॉन टी में ग्राफ बनाऊं, तो इस ग्राफ की स्लोप डेल्टा एच के साइन पर डिपेंड करेगी। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसकी स्लोप आएगी नेगेटिव, यानी ग्राफ ऐसा बनेगा एल एन के और वन अपॉन टी के बीच में। तो अगर नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बना, इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है और रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। वहीं अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। उस केस में ग्राफ की स्लोप आएगी पॉजिटिव और एल एन के इक्विलिब्रियम और वन अपॉन टी में ये ग्राफ बनेगा। तो ये इस साल का हॉट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या तो ऐसे पूछ लेगा या ग्राफ देके पूछ लेगा कि बताओ रिएक्शन का नेचर क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। दो तरह से पूछ सकता है, या तो ग्राफ देके पूछ लेगा या फिर बोलेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भूल जाओ तो भी आप इसको ऐसे डिराइव कर सकते हो। चलिए तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर द कंबशन ऑफ लिक्विड बेंजीन एट 27 डिग्री सेल्सियस। आपको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि आपको रिएक्शन भी खुद ही लिखनी होगी। रिएक्शन लिखते टाइम एक चीज का बड़ा ध्यान रखना होगा, लिक्विड बेंजीन यानी आप C6H6 लिक्विड की बात कर रहे हो, इसका कंबस्टन करवा रहे हो, तो O2 गैस की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका कंबस्टन होगा। बताओ क्या क्या मिलेगा, 6CO2 गैस प्लस 3H2O। हाँ, यहाँ आपको इसको लिक्विड लेना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बताता हूँ, 6 और 12 एंड 3 15, तो ये बन जाएगा 15/2। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, मैंने वाटर को लिक्विड क्यों लिया है, क्योंकि टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता, मान लो 127 होता, तो फिर मैं वाटर को क्या लेता, गैस। एक चीज, अगर टेम्परेचर कुछ भी नहीं दिया है तो आप नॉर्मल कंडीशन यानी रूम टेम्परेचर मान के चलोगे और वाटर को लिक्विड फॉर्म में ही कंसीडर करोगे, समझ गए। चलिए अब आप इसके लिए डेल्टा एनजी निकालो, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी, इसको काउंट नहीं करूंगा, 6 माइनस 7.5 लिख लो, तो वैल्यू -1.5 मिल जाएगी आपको। एक काम, दूसरा आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू में डिफरेंस बताना है, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो गई है, -1.5 × अब थोड़ा सा देखना, आप ये माइनस साइन नहीं दिया तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। आर आर के लिए लिखो आप 8 ले लो, वैसे तो 8.314 पूरी लिखना पर 8 ले लेते हैं, और टेम्परेचर कितना है 300। ध्यान देना, ये पॉइंट से गया पॉइंट, 15 8 सा होता है 120, तो 120 × 3 3600, यानी -3.6 किलो जूल के आसपास ही वैल्यू आएगी। जो क्लोजेस्ट आंसर है वो है 3.74, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन जो कि बेसिकली डेल्टा एच और डेल्टा यू को रिलेट करने के ऊपर है, जो जनरली आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब जो छोटे बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखें ये आपसे कह रहे हैं, सॉलिड लैटिस द कैटायन हैज लेफ्ट अ लैटिस साइट एंड इज लोकेटेड एट इंटरस्टीशियल पोजीशन, फ्रेंकल डिफेक्ट, खत्म है ना। हाँ भाई, एक्स मल्टीप्लाइड विद, दिमाग लगाएं,
लिमिट एक्सटेंस टू क्या है? जीरो, सही है। आपको बस इतना से याद दिलाऊं, हाँ क्या क्या सुनने में नहीं आया? अरे ये क्वेश्चन के अंदर यहां पे इक्वल है ना, तो ये वाला केस भी तो हो सकता है ना, ये कह रहा हूं मैं। हाँ क्या ये? अरे मैं तो इसलिए नहीं करा, मैंने कहा ये सब अभी रिसेंटली पढ़े तो अपन बात ही नहीं करे इस पे, नहीं तो मैं वो केस ले चुका था, इसलिए मैंने इक्वल इक्वल लगा लिया। क्या बात चल रही थी? हाँ इसका इफेक्ट आंसर सोचो क्या करना है पता है आपको? अरे सीधा देखो, x टेंस टू जीरो है, x टेंस टू जीरो होने पर अंदर वाला क्या फील कर रहा है? मैंने कहा था ना वैल्यू तो जाएगी नहीं अंदर, लेकिन इंडिकेटिव वैल्यू तो सोच सकते ना। हाँ तो इंडिकेटिव वैल्यू कितनी आ रही है? इन्फिनिट। यहाँ पर, यहाँ पर, तो आपको पता है इन्फिनिट होने पर ऐसे एज इट इज निकल जाएगा, याद आया? तो एज इट इज निकलेगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स और ऐसा कब तक आएगा? 100 अपॉन एक्स। सिखा रखा है कि नहीं सिखा रखा? इस सब में कॉमन क्या आ रहा है? एक्स कट गया, क्या रह गया मार्केट के अंदर? 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहां तक? 100 तक। कहानी पकड़ में आ गई आपको? तो 50-50 आंसर हो गए। चलो आगे और क्वेश्चन दिखाता हूं जी भैया का। माइनस पाई से लेकर पाई तक क्वेश्चन वाले ने दिया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स डॉट डी एक्स। किसी की नजर पड़ी इसमें तो? दिख गया वो है, दिख गया नैनो। और नैनो दिखते ही मैंने क्या बोला था? या तो स्प्लिट या फिर फार्मूला। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि इसमें स्प्लिट क्या होगा? जैसे उसमें तो ये प्लस था तो एक इधर बांट दिया और एक उधर लगा दिया, इसमें ऊपर कुछ है क्या? स्प्लिटिंग नॉट पॉसिबल, सो यूजिंग फार्मूला। कितने लोगों को फार्मूला याद है? क्या लिखना है फार्मूले में? एक बार एफ एक्स और एक बार एफ ओ माइनस एक्स। एक बार जरा बोलो, यहां जीरो से लेकर के ए तक एफ एक्स का मतलब ये फंक्शन चुपचाप कॉपी कर दो। देखो मेरे को मदद जरूर करना, क्योंकि मेरे को मदद करने में आप अपनी मदद कर जाओगे। x की जगह अगर मैं माइनस एक्स करता हूं तो कॉस स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में कितना? 1 प्लस ए की पावर डॉट डी एक्स कर दो। अब आप मेरे को बताने वाले हो, बताओगे कि नहीं बताओगे? अरे बोलो सही है। अच्छा आप ऐसे कितने लोग पता है कि x की जगह माइनस एक्स रखने पे कॉस के पर स्क्वायर वही मौजूद है? पूरी कहानी में ये भी कॉस स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को बाहर खींच दो। कितने लोगों को ये समझ में आता है कि कॉस स्क्वायर एक्स को खींचने के बाद में भी यहां पे रह जाएगा 1 प्लस ए की पावर एक्स? और इधर मैं बोल नहीं रहा, लिख रहा हूं। क्या ये आप एग्री कर गए क्या? पक्का एलसीएम यही आएगा, ऊपर वाला यही होगा, कट जाएगा, कितना बचेगा बोलो? कितना बचेगा? 1 नहीं आया। अरे 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 ये समझ में आया? ये क्या हुआ? नहीं आया। देख सुन कॉस, अरे इसको नहीं आया ना, जिसको नहीं आया उसको बताऊं। कॉस स्क्वायर एक्स के कॉमन आती है अंदर बचेगा 1 प्लस ए और प्लस में बच रहा था कितना? 1 अपॉन में 1 प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ए की पावर माइनस एक्स का मतलब 1 अपॉन ए की पावर एक्स और 1 अपॉन ए की पावर एक्स का मतलब एलसीएम लेते हैं ए की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए की पावर एक्स। आया? अब मैं एलसीएम लूंगा तो 1 है, इंटीग्रेशन में बच गया आगे 2 नीचे 0 और यहां पे पाई ना। रे क्या बात कर रहे हो, 0 और पाई, यहां पे रह गया कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? बाली नहीं लगता, बाली 0 से पाई बाय 2 में लगता है। 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 डॉट dx, 0 से पाई कर दोगे क्या? कर लेना। हाईएस्ट डिग्री इन x प्लस अंडर द रूट ऑफ x क्यूब प्लस 1 टू द पावर 5 प्लस x माइनस अंडर द रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 5। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा उसमें आपको a प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस ए माइनस एक्स टू द पावर एन वाली फील आ जाएगी। a प्लस एक्स टू द पावर एन, a माइनस एक्स टू द पावर एन, देख लिया आपने? अगर ये है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2a, ये मेरे लिए a प्लस बी, ये मेरे लिए, और ये तो जैसे मैं जोड़ूंगा तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, बी भी कट गया, कैंसिल, क्या रह गया? 2a। a माने ऑड या इवन? ऑड। अच्छा जल्दी सोच के जवाब देना, पहला तो t1 होगा, अगला t3 होगा, अगला t5, इसमें कितना खुलेगा? टोटल कितने खुलेंगे? ये कितना खुलेंगे? 6। अरे इसके टोटल टर्म 6, पावर 5 है ना, नहीं समझ में आया? तो ये 6 तक ही खुल सकता है, 6 में से ऑड ऑड वाले इतने हो सकते थे। अब आते हैं इस पे कि कहानी में आगे क्या है। 2 into t1 का मतलब फर्स्ट टर्म, t1 का मतलब 5c0
पहला x की पावर 5 और अंडर रूट वाले की पावर 0। सही है भाई। अब आ जाता हूं डायरेक्ट T3 पे। T3 माने 5C2। अच्छा, पहले x की डिग्री 3, इन दोनों का डिफरेंस, अंडर रूट वाले की डिग्री 2। नहीं आया समझ में? इसका मतलब यहां पे लिख देता हूं x³ -1। इट इज ऑल्सो x³ -1। अच्छा, लास्ट विल बी T5 बोले तो 5C4। x की डिग्री 1, अंडर रूट वाले की डिग्री 4, दैट इज x³ -1। श्योर है? अच्छा, अब आते हैं, मेरे को 2 वगैरह किसी से नहीं, मेरे से उसने हाईएस्ट डिग्री पूछो, मैं हाईएस्ट डिग्री बोल के भाग जाऊंगा। इसमें अपने को कुछ नहीं करना, याद रखना। देखिए साहब, ये तो होना ना होना एक ही बराबर है। इसमें x की डिग्री 0 इसकी नजर में तो, और इसकी 5, ओवरऑल डिग्री कितनी 5, इसकी ओवरऑल यहां से यहां तक की डिग्री 5। अब दोबारा देखिएगा, यहां की डिग्री 3, ये अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा, ये x³ बाहर मार्केट में आएगा, x³ से मल्टीप्लाई होकर के 6, माने इसकी बड़ी से बड़ी डिग्री 6। नहीं समझ में आया? अब आते हैं इसके अंदर, ये कटेगा तो भी स्क्वायर छोड़ेगा, ये x की डिग्री कितनी हो गई, x³ का स्क्वायर बनेगा, x की डिग्री 6 और 1 7, तो कुल मिलाकर के इसकी x की डिग्री 7 है। बताइए हाईएस्ट डिग्री 7, तो हाईएस्ट डिग्री 7, कहानी पकड़ में आई, लिख लेते हैं हाईएस्ट डिग्री 7। नहीं समझ में आया आपके? कहानी पकड़ में आई ये वाली, कि पावर 4 है तो ये स्क्वायर छोड़ेगा, स्क्वायर छोड़ेगा तो अपन पूरा ओपन करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? कुछ प्लस माइनस को कोई भेज रहे क्या? अच्छा, सारे क्वेश्चन में, अच्छा सॉरी, मेरे से ही कमी हुई है तो फिर माइनस करना इसको, तो माइनस करना। ये अगर आपके थोड़ा बहुत दिमाग में उतर गया तो आगे चलता हूं, आपका काम है इसको सॉल्व करना। रूट टू प्लस 1 to the power 6 प्लस रूट टू माइनस 1 to the power 6, डू इट। हाँ, 1998। कितने टर्म खुलेंगे? 7। ये कौन सा वाला है? ए प्लस बी, और ये फाइनली एड होने के बाद कितना रह गया? 2 है। ए माने ऑड या इवन? ऑड बोले तो T1 आएगा, T3 आएगा, T5 आएगा, T7 भी आएगा। श्योर है? क्योंकि टोटल 7 टर्म खुलेंगे इसलिए। अच्छा, अब T1 के लिए जरा वैल्यूज फटाफट बोल देते हैं, बाकी अपने को सॉल्व नहीं करना, बस T1 के लिए वैल्यू सोचनी है। 6C 0, रूट टू की पावर 6, बाकी मैं लिख नहीं रहा, चलेगा? क्योंकि 1 है ना, 6C 2, रूट टू की पावर 4। अच्छा, अगले बात जाओ, T6C 4, रूट टू की पावर 2, लास्ट वन इज 6C 6, रूट टू की पावर 0। सही है ना भाई? बाकी सॉल्व हो जाए तो ठीक, नहीं तो 1998। अगले पे चलिए आप, ठीक है? हाँ भाई, अगले भाई नेक्स्ट। भाई जिनके दिमाग में ये बात आई कि हम लोगों ने एक रेडी रखना तैयार कर लिया कि बस आगे से जब भी हमारे को जरूरत पड़ेगी हम लोग खटाखट 2A 2B इनमें से किसी एक रास्ते से निकलेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इज प्रूव दैट 101 to the power 50 इज ग्रेटर देन 100 to the power 50 प्लस 99 to the power 50। सही है? आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर बात करें फटाफट से, इसके ऊपर जरा दिमाग लड़ाएगा, इसको भी जरा समझा लें आप। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि मैं जिस दिन इसको देख रहा हूं तो मुझे यहां पे दिख रहा है 100 plus 1 to the power 50। सही ना भाई? लेकिन मैं स्टार्टिंग के अंदर इस 100 to the power 50 पे बात भी नहीं करूंगा, लेकिन 99 पे मैं सोच सकता हूं कि जिस दिन मैं इसको इधर लेके आऊंगा माइनस का हो जाएगा, इसको इधर लूंगा तो माइनस में 100 minus 1 to the power 50, और ये मेरे को फील दे रहा है a plus x to the power n, a plus b 2b, डायरेक्टली दो भाई, इट इज 2b, 2b का मतलब 2 into T1 terms, फर्स्ट टर्म इज T2 plus T4 एंड सो ऑन कर दू। अब देखिए सीधे से आ जाते हैं क्वेश्चन पे, 2 times T2 का मतलब हो जाएगा, T2 का मतलब 50C1, राइट है? पहला 100 की पावर 49, आगे बात करेंगे ही नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन में जिसकी नजर अब तक इस बात पे नहीं पड़ी वो अब पड़ जाए, ठीक है ना? जब भी ये पीछे प्लस वन और माइनस वन हो रहा है, देखो उस क्वेश्चन के अंदर प्लस वन और माइनस वन हो रहा था, तो मैं ओपन सिर्फ पहले को कर रहा था, मैं इससे बात भी नहीं करी, कहीं मैंने माइनस का नाम तक नहीं लिया,
नहीं आया समझ में? मैं जरा फर्स्ट को लेकर के ओपन कर रहा था जिसकी पिछले वाले क्वेश्चन में नजर नहीं पड़ी, ठीक है ना, वो वापस इसको, इसलिए मैं आपको इसको लेकर आ रहा हूं। प्लस में अगला वाला विल बी 50 सीट 2, सही ना, सॉरी 3 × 100^47, सही है, एंड सो ऑन क्लोज, है ना। अब इस पर आ जाता हूं, देखिए जरा ध्यान से समझना, 50 × 200, ये 50, 100, 100 की पावर 50, अरे 100 की पावर 50 पक्का, एंड प्लस में 2 times जो पीछे वाला सारा इसको पीछे रख दूं, सही है। अब आप ध्यान से सोचो, इसके राइट हैंड साइड में था आपके पास में 101 की पावर 50 - 90 की पावर 50, अब आप सोचो कि 99 की पावर 50, तो 100 and 1 की पावर 50 - 99 की पावर 50 इज इक्वल टू में ये प्लस कुछ, इसका मतलब ये कि ये जो कुछ भी है ये इसका जो LHS है वो 100 की पावर 50 से बहुत बड़ा है, नहीं है समझ में? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इट इज सेइंग दैट 101 की पावर 50 - 99 की पावर 50 इज ग्रेटर देन टू 100 की पावर 50, 100 की पावर 50 से तो आगे एडेड भी और भी कुछ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 100 की पावर 50 से तो बड़ा है इसका जो LHS है, और अगर ऐसा है तो फिर इसको इधर ले आओ, बस क्वेश्चन खत्म। 100 की पावर 50 इज ग्रेटर देन 99 to the power 50 प्लस 100 to the power 50, प्रूफ हो गया। ये शायद थोड़ी भारी बात हो गई आपके लिए कि 100 की पावर 50 प्लस कुछ है जो कि LHS है, ठीक है ना। हाँ भाई, क्या ब्रेक ले या चलते रहे? अच्छा, ब्रेक के लिए आप में से जो भी हाथ खड़ा कर दें, ब्रेक के लिए। हाँ, अरे इसमें क्या है, ब्रेक लेना चाहते तो हाथ खड़ा कर दें, तो ज्यादा लोग नहीं है, ठीक है, कमी है। हाँ, और जिन जिनको बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था मतलब, तो आप में से कोई निकल के भी जा सकता है ना, और जैसे अभी जा ही रहे हैं उसमें क्या है, ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारी क्लास भी चलती रहेगी, जहां मुझे थकान हो जाएगी, ठीक है, अब इंजन ही रुक जाए तो बात ही खराब हो जाएगी ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 15 इन, फटाफट से आगे चलो, अब 1 + x^15, 1 + x^16 एंड 1 + x^17 टू डैश, इट इज 1 + x^30। हाँ भाई, फटाफट, ठीक है, बहुत बेसिक से बात चल रही है, धीरे धीरे। x की बार 15 का कोफिशियंट इसमें बताना है, ठीक है, अगर मुझे x की बार 15 का कोफिशियंट बताना है, एक मिनट, किसका x की पावर, मैंने आपको बार बार बोला था, x अगर पीछे है तो जितना x की डिग्री उतना NCR के नीचे वाला, तो इसका एक कोफिशियंट तो 1 ही है, उसका तो बात ही मत करो। तो मैं डायरेक्ट इसका कोफिशियंट सोच सकता हूं 15C के नीचे 15, इसके अंदर अगर बात करी जाए तो 16C 15, नहीं आया समझ में? अरे जितना x की डिग्री होता है NC के नीचे, तो अगर देखा जाए यहां पे n की जगह 16, c के नीचे जगह c और यहां पे वैल्यू 15, अच्छा एंड सो ऑन, इट इज 17C 15 एंड सो ऑन, कब तक? 30C 15, सही है। अब जो चीज सिखा रहा हूं वो वापस सुनना, बड़े इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। 15C 15 बोले तो 1, yes, 1 बोले तो 16C 16, ये आपने टर्निंग पॉइंट देखा, ठीक है ना, यही है बस पूरी कहानी में, जिसने ये सीख लिया कि अच्छा ये भी एक दिमाग में रखना है क्या, कैसे इसको एक में टर्न करा लेना, 15 एंड डेड डैश कब तक? 30C 15, सही भाई। अब दोबारा दिमाग लगाना, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का अंतर, ये बन जाएगा 17C 16 17, और ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 18C 16, तो लास्ट वाले पहुंचो दौड़ करके, इट इज 31C 16, बस बात करता हूं, क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला, फ्रॉम द 6 different novels and 3 different dictionaries, 6 novels हैं सब, और उनमें से कितने लेने हैं? 4 चुनने हैं, और इधर दे रखा है 3 dictionary दे रखी है, उसमें से एक लेनी है, और इस तरह से रखना है अरेंज करके कि डिक्शनरी हमेशा बीच में रहे। पहले काम करते, पहले ले तो लें, 6 में से 4 नॉवल चुनने के तरीके, 6C 4 चुन लिए, अब नॉवल हमारे हाथ में 4 नॉवल, फिर 3 dictionary में से एक डिक्शनरी चुननी है, उसका तरीका हो जाएगा 3C 1, अब हमारे हाथ में एक डिक्शनरी भी आ गई, एक डिक्शनरी आ गई, 4 नॉवल आ गए, तो डिक्शनरी को बीच में रखना है, डिक्शनरी को बीच में रखना है, इसका मतलब डिक्शनरी हिलेगी नहीं, अब इसका मतलब ये कि नॉवल जो है वो 2 इधर रहेंगे और 2 इधर रहेंगे,
तो चार नोवल को चार जगह पे कैसे भी रख दो, डी को तो हम मान लो पत्थर की मूर्ति है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं, ये हिलेगा ही नहीं, तो इन चार चीजों को चार जगह पे अरेंज करने के तरह सेक्टोरल चार, ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो अगर देखा जाए 64 इसका मतलब हो जाएगा 6 5 मतलब 15 इंटू 3 इंटू 4 का मतलब हो गया 24, ठीक है ना। तो 45 इंटू 24 ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 180 और 90, ठीक है, तो इट इज 1080, ठीक है, बट लेस देन 100, ये तो बहुत ज्यादा निकल गया हमारा, तो आंसर 64 बोले तो 62 6 5 डिवाइड बाई 2 15 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 4 बोले तो 24 एटलीस्ट, ओ 750 एटलीस्ट 1000 अपना तो 1080 चला गया भाई, एक मिनट देखते हैं इसका भी, है ना। क्वेश्चन में एक गलती है, अपनी तरह से कोई एरर नहीं है, अपना 100% बराबर है ना, एकदम सही है, कोई गलती नहीं अपनी, हो सकता है बोनस के क्वेश्चन हो। चलिए साहब, इसमें इतना कॉन्फिडेंस तो रखना ही पड़ेगा, जानते हैं ना आप इसको, बस कोशिश कीजिए कि इसके नाम पे आराम से काम बन जाए आपसे, परेशान नहीं हुए। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देखिए इक्वेशन बहुत प्यारी है, ठीक है, इसके रूट्स वैसे ही बताए, इसका डी नेगेटिव आ गया, इसके रूट जो भी आएंगे इमेजिनरी आएंगे, फिर भी रूट्स की बात करते हैं, 1 ± अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, एट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 - 4 डिवाइड बाई 2, इट इज 1 ± √3 आइटा डिवाइड बाई 2, ठीक है, इसे दो आंसर बन रहे हैं, 1 + √3 आइटा बाई 2, ठीक है ना भाई, और एक बन रहा है 1 - √3 आइटा बाई 2। देखिए अगर ये -1 + √3 होता तो ओमेगा होता, लेकिन ये माइनस ओमेगा है और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, राइट है, तो हमारे पास में दो आंसर आ रहे हैं, एक माइनस ओमेगा एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अंदर ये अगर बाय द वे मेरे लिए अल्फा है, ये मेरे लिए बीटा है, तो मुझे चाहिए माइनस ओमेगा की पावर 2009, ठीक है, और प्लस के अंदर कितना माइनस ओमेगा की पावर 2000, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009, राइट है। आपको पता ही होगा कि 2009 में अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 का, तो 3 का डिवीज़न कितनी बार पूरा गया, 3 का डिवीज़न 6 बार गया, बचा रह गया 20, फिर 6 बार गया, बचा रह गया 229, तो 3 का डिवीज़न 9 टाइम्स पूरा गया, बचे रह गए 2, ये माइनस ओमेगा का स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट है, माइनस ओमेगा क्यू की पावर इतना, वो तो 1 में चला गया और पावर में रह गया 2 प्लस में, ये देखा जाए तो ये बच गया माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर में कितना, फिर से 2, तो ये देखा जाए तो ये बन गया कौन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, इट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट है। एक सेकेंड, इसमें माइनस अपन बाहर निकाल लेते हैं ना, ताकि अपन माइनस की गलती ना कर बैठे, सही है, तो ये माइनस अपन ने बाहर निकाल लिया ऐसा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4, ये इतना माइनस कॉमन आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होता है, तो माइनस ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो आंसर विल बी 1 बेसिकली, राइट है, ऐसा।